नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। मैं जा रहा हूँ कि आप अपने नाम से कैसे जान सकते हैं कि आपको नौकरी कब लगेगी। 14th ईयर में लगेगी, 28th ईयर में लगेगी, या 24th ईयर में लगेगी, या 45th ईयर में लगेगी। दोस्तों, इनको बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई नाम ले लेते हैं, अजीत। इसका स्पेलिंग लिख लेते हैं, AZEET। अब इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू डाल देते हैं। जे का अल्फाबेटिकल वैल्यू 10 होता है, ई का 5 होता है, पी का 20। अब जितने भी अल्फाबेटिकल वैल्यू आए उनको मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1+0, 1, 5, 5, 2। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि जॉब के लिए इम्पोर्टेंट प्लेनेट कौन सा होता है। प्लेनेट 9 प्लेनेट अवेलेबल है आपके पास। शन जो 1 डिजिट का प्लेनेट है, मून प्लेनेट का जो मूल्यांक है वो 2 है। फिर गुरु का जो मूल्यांक है वो है 3। फिर उसके बाद राहु का जो मूल्यांक है वो है 4। बुध का जो मूल्यांक है वो है 5। शुक्र वीनस, इसका जो मूल्यांक है वो है 6। केतु का जो मूल्यांक होता है वो होता है 7। फिर सैटर्न का जो मूल्यांक है वो 8 होता है। उसके बाद आता है मंगल का जो मूल्यांक होता है 9 होता है। जॉब के हिसाब से दोस्तों, 2 प्लेनेट जो है काफी उपयोगी है, जैसे फर्स्ट शन और दूसरा मंगल। और मून का भी थोड़ा चांस रहता है और गुरु का भी, लेकिन मून वाला जिन राशि का डिजिट आता है वो मेहनती होते हैं, उनको बहुत देर से जॉब लगती है। अब हम देखते हैं कि कैसे उनका मूल्यांक प्राप्त करते हैं। जो डिजिट आया है हमको, डिजिट से हम कैलकुलेट करेंगे। शन डिजिट है 1 से इसके जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 1, 1। जे का जो वैल्यू है वो है 1, इसको भी शन के मूल्यांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1। फिर ई का आया है 5, 5 × 1, 5। फिर 5 × 1, 5, 2 × 1, 2। जितने भी डिजिट आए सब सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट ईयर हो नहीं सकता है, इसको हम लोग डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 1+1 2, 2+5 7, 7+5 12, 12+2 14। ये जो 14 ईयर्स आए हैं इसमें जॉब कभी लग नहीं सकती है। अब देखते हैं अजीत नाम वालों का मून डिजिट से मल्टीप्लाई करके। 1 × 3, 1 × 2 = 2, 1 ×
टू इज इक्वल टू टू, फाइव इंटू टू इज इक्वल टू टेन, फाइव इंटू टू इज इक्वल टू टेन, ठीक, फाइव इंटू टी का वैल्यू है टू, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर। अब इनके डिजिट को ऐड कर देते हैं, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टेन फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट ईयर आए हैं। अब इनको हम थ्री वाले से मल्टीप्लाई करेंगे जिनका स्वामी गुरु होता है, ए वन इंटू थ्री इक्वल टू थ्री, जे वन इंटू थ्री इक्वल टू थ्री, ई वन इंटू फाइव, वन सॉरी फाइव इंटू थ्री इक्वल टू फिफ्टीन, नेक्स्ट ई फाइव इंटू थ्री इक्वल टू फिफ्टीन, टी टू इंटू थ्री इक्वल टू टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स। अब इनको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स सिक्स, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व सिक्स एटीन, एटीन सिक्स ट्वेंटी फोर। अब नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, मंगल का एट है, नाइन है, और नाइन का जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं जॉब के लिए। अब इनका वैल्यू देख लेते हैं, ए वन इंटू नाइन इजक्वल टू नाइन, जे वन इंटू नाइन इजक्वल टू नाइन, ई फाइव इंटू नाइन इजक्वल टू थर्टी फाइव, फाइव इंटू नाइन इजक्वल टू थर्टी फाइव, टी टू इंटू नाइन इजक्वल टू एटी, कन्वर्ट इंटू सिंगल डिजिट, नाइन 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 नाइन, नाउ ऐड ऑल द नाइन यू विल गेट फोर्टी फाइव। यहाँ पर मेरे पास फोर पॉसिबिलिटी हैं, वन टू थ्री, सन मून गुरु और मंगल, सभी पॉसिबिलिटी को मैंने यूज किया, उनमें से फर्स्ट में फोर्टीन ईयर्स आए जो कि पॉसिबल नहीं है, जॉब के लिए उपयुक्त ईयर नहीं है। उसके बाद ट्वेंटी एट आया है, जी हाँ ट्वेंटी एट आया है दोस्तों, ये ट्वेंटी एट ईयर्स है, ट्वेंटी एट जॉब के लिए उपयुक्त ईयर्स हैं, इनमें जॉब लग सकती है। फिर थ्री यूज किया हूँ गुरु, तो तीन में आया है चौबीस, इसमें ज़्यादा होने की चांस है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गुरु गुरु जिनका डिजिट आता है वो उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद जिनका जो डिजिट आ जाता है उनके लिए वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और जॉब होने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। अब ये नाइन यूज़ करने पर, नाइन तो होता है दोस्तों बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ नाइन करने पर फोर्टी फाइव आता है, मतलब ये बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है उनको, बहुत देर के बाद जॉब लगेगी, जॉब लगने में इनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इस तरह दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कैलकुलेशन को कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पालमिस्टर सही नहीं मानता है, और अगर आप इसका कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी या पालमिस्ट्री के हिसाब से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइव में बात करने के लिए चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।